ये झील से नीली आंखें जुल्फों का रंग सुनहरा तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुझे बनाया जी हाँ दोस्तों एक आज हम एक ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे ऐसे एक घर के बारे में बात करेंगे जो कि उस परमात्मा ने उस मालिक ने उस ऊपर वाले ने एक अपन को उपहार के रूप में गिफ्ट के रूप में दिया है चमत्कारी पौधे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि इस सुपर फूड ये जो सुपर फूड है आपके जुल्फों का रंग सुनहरा रखेगा उसके साथ साथ आपके जो हेयरफॉल हो रहे हैं उस हेयरफॉल को रोके गई साथ ही साथ जो आपके आंखों की झील सी नीली आंखें हैं उसको भी सलामत रखेगा आपके आंखों के चारों तरफ जो काले घेरे हैं उसको भी ठीक करेगा उसके साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राम सिंह सोलनी के अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वे लाइक दबाइए और कमेंट्स जरूर ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपको स्वस्थ रखने और आपको जमा रखने का दोस्तों जो चमत्कारी पौधा है है जो सुपर फूड है, इसको आयुर्वेद में आयुर्वेद में इसको अमृत के समान माना जाता है दोस्तों इसको सुपर फूड क्यों कहते हैं इसलिए सुपर फूड कहता है कि इसका ऑरेंज से सात गुना विटामिन सी होता है कैरेट से दस गुना विटामिन ए होता है मिल्क मतलब दूध से सत्रह गुना इसके अंदर कैल्शियम होता है दही से नौ गुना इसके अंदर प्रोटीन होता है सैतीस गुना, गुना, गुना इसके अंदर होता है मीट्स में जो प्रोटीन होता है उससे दो गुना इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है मिनरल से भरपूर होता है इसके अंदर पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन फॉस्फोरस जैसे खूब सारे न्यूट्रिशन्स होते हैं इसके अंदर ये डायबिटीज हार्ट अटैक कंठिया कब्ज पत्र की तकलीफ से बचाता है उसके साथ साथ जड़ से लेकर इसका जो तना होता है वो गुनकारी होता है दोस्तों इतनी सारी मिनरल्स विटामिन इतनी सारी डिजीज को कवर करने वाला आखिर ये फूड है क्या जिसका नाम है मोरिंगा जिसे हम सहजन की पति भी कहते हैं सहजन की पुष्प भी काम आते हैं सहजन की जड़ होती है वो भी अच्छी काम करती है दोस्तों इसकी विस्तृत में बात करते हैं दोस्तों सेजन की पत्ती के अंदर इतने सारे विटामिन सी मिनरल्स फॉलिक एसिड्स मैग्नीज, आयरन कैल्शियम, फॉस्फोरस होते हैं जो कि एक मेडिसिन की तरह काम करती है इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा आपको कि आपको किसी तरह की बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट या कैप्सूल नहीं लेना है आपको जितना हो सके इस मोरिंगा के जो पौधे हैं इस पौधे के जो पत्तियां हैं इसकी जो फलि जिसको ड्रम कहते हैं इसका उपयोग करिए इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा इस सुपर फूड का आप बी कॉम्प्लेक्स की तरह भी काम कर सकते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी काम में ले सकते हैं सहजन की पत्तियों के उपयोग जो आयुर्वेद में करते हैं ये आयुर्वेद में इसको 300 तरह की डिजीज को कवर करने का जिक्र किया गया है इसमें घंटिया वातरो जिसे हम लोग ये लोग कहते हैं घंटिया है साइटिका है शुगर की बीमारी है कब्ज जैसी बीमारी है साइटिका है इसको पूर्ण रूप से सहजन की पत्ती से ठीक किया जा सकता है सैजन की पत्तियों को अमृत के समान माना जाता है साउथ इंडिया में इसका बहुत ज्यादा किया जाता है इसमें 92 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स का भंडार है मोरिंगा अब बात करते हैं मोरिंगा की जो पत्तियां हैं जो सैजन की पत्ती है वो कौन कौन सी बीमारी के अंदर काम करती है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में बात सबसे पहले जो बड़ी डिजीज ले रहे हैं उसमें है डायबिटीज है डायबिटीज दो तरह की होती है डायबिटीज जो होती है टाइप वन और टाइप टू होती है टाइप वन में क्या होता है कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता जिससे आपके शुगर लेवल बढ़ जाता है टाइप टू के अंदर शुगर इंसुलिन बनता है लेकिन बॉडी उसका उपयोग नहीं करती जिसके कारण शुगर का लेवल बढ़ जाता है मोरिंगा की पत्तियों का उपयोग करने से जो अपने बॉडी के अंदर पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाज क्या करता है इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू कर देता है जिससे कि टाइप वन जो डायबिटीज है उसको अपन क्योर कर सकते हैं अगर आप मोरिंगा की पत्ती का उपयोग करते हैं तो अपनी बॉडी क्या करती है बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है उसका उपयोग करना शुरू कर देती है टाइप टू को भी अपन क्योर कर सकते हैं दोस्तों डायबिटीज की वजह से अगर आपको न्यूरोपैथी पेन हो रहा हो आपके कैट्रेक हो रहा हो आपकी किडनी खराब हो रही है आपकी स्किन खराब हो रही हो डायबिटीज की वजह से तो मोरिंगा का सेवन करने से जो डायबिटीज की वजह से जो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट हैं उसको भी ठीक किया है मोरिंगे की मोरिंगा का दूसरा जो फायदा है वो है कैंसर में ये कैंसर को प्रिवेंट भी करता है कैंसर को फैलने से रोकता भी है और कैंसर की बीमारी को ठीक भी करता है जिन कैंसर में सबसे ज्यादा मोरिंगा यूज होता है वो है ओरियन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर पेनकेस कैंसर और कॉलोन कैंसर मोरिंगा कैंसर में ये फायदा है कि अगर आपने कीमोथेरेपी भी करा ली है और उससे आपके साइड इफेक्ट भी है उसको भी ठीक रहेगा और मोरिंगा का कंटिन्यू उपयोग करने से कैंसर का वापस रिलैप्स होना या वापस बनना की संभावना जो होती है वो खत्म हो जाती है तीसरा जो फायदा है आपके बॉडी के अंदर अगर आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल की मात्रा अधिक हो गई है तो आपके आप इसका कंटिन्यू उपयोग करते हैं तो आपके जो कोलेस्ट्रोल की मात्रा जो बढ़ी हुई है उसको ये कम कर तो मोरिंगा पत्तियों का अगला जो फायदा वो है वो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी है आर्सेनिक एक तरह का जहर है दोस्तों ये आर्सेनिक जो टॉक्सिसिटी कैसे होती है ये होती है जैसे अपन आजकल जो भी फूड यूज में लेते हैं अः उसके अंदर ज्यादातर आर्सनिक होता है जैसे कि फल सब्जी फ्रूट्स या फिर हम लोग जो गेहूं होता है गेहूं के ऊपर जो पेस्टिसाइड छिटकते हैं वैसे वैसे चावल के ऊपर पेस्टिसाइड छिटकते हैं तो इसके अंदर जो आर्सनिक होता है उसको अपन ग्रहण करते हैं खाते हैं तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर आर्सनिक की मात्रा बढ़ जाती है जो कि एक जहर है ऐसे कैसे आजकल ग्राउंड वाटर के अंदर भी जो है आर्सनिक की मात्रा बढ़ गई है आर्सेनिक जो हम सेवन कर रहे हैं फूड वगैरह जो भी है तो बॉडी में एकदम इफेक्ट तो नहीं डालता है लेकिन ये धीरे धीरे इफेक्ट डालता है और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है इसमें कि आपके हार्ट की डिजीज या कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम मोरिंगा की पत्ती का उपयोग लगातार करते हैं तो आर्सेनिक की जो टॉक्सिसिटी होती है उससे निजात पाया जाता है और वो टॉक्सिसिटी आपको नहीं होगी आर्सेनिक की वजह से जो लिवर डैमेज होता है उससे भी अपन छुटकारा पा सकता है मोरिंगा की पत्ती का कंटिन्यू सेवन करने से दोस्तों मोरिंगा का जो अगला फायदा जो है उसमें इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं मिनरल्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एमिनो एसिड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं इसके अंदर इसके अंदर हाई मात्रा के अंदर कैलोरीज होती है प्रोटीन होता है फैट होता है कार्बोहाइड्रेट होता है फाइबर होता है कैल्शियम होता है पोटेशियम होता है आयरन होता है मैग्नीस होता है फॉस्फोरस होता है कॉपर होता है सल्फर होता है विटामिन ए विटामिन बी वन बी टू बी थ्री विटामिन सी विटामिन ई और होता अर्ज, होता होता है इसके अंदर होता है होता है इसके इसके अंदर अंदर लाइसिन खूब सारे ऐसे और होते हैं को जो कि अपन को ना को, कोई कैप्सूल लेने की जरूरत होती है ना ऊपर से, से किस तरह का न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत है सिर्फ मोरिंगा के पत्ते का आप, आ, रेगुलर यूज करने से इससे आपको खूब सारे मिनरल्स और मोरिंगा के पत्ते का सेवन करने से जो मैंने अभी आपको बताए हैं सारे मिनरल्स एसिड्स सारे आपको एक ही

जो प्रोटीन होता है वो मोरिंगा की पत्ती जितना प्रो, प्रोटीन मोरिंगा के जो पत्थियों में होता है वो ना बीन्स में होता है ना दालों में होता है और ना हरी सब्जियों के अंदर एक, एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर खूब मात्रा के अंदर प्रोटीन और अमीनो एम्यौ, एसिड होता है जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन और एम्यूनो एसिड की जरूरत होती है दोस्तों हम मोरिंगा की पत्तियों का यूज या उपयोग करेंगे तो प्रोटीन और एसिड क्या करेगी हमारे बॉडीज की जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करेगी या उसको बनाएगी इसीलिए मैं कहूँगा कि जो जिमिंग करते हैं जो जिम में जाते हैं प्लेयर्स हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनको मोरिंगा की जो पत्तियां हैं उसका सेवन हमेशा करना चाहिए क्योंकि मोरिंगा के अंदर बहुत सारे एसिड्स और प्रोटीन है मोरिंगा का जो अगला फायदा है वो है कब्ज में अगर आप मोरिंगा का कंटिन्यू यूज करते हैं उपयोग करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे ऐसे मिनरल्स हैं ऐसे एंजाइम्स हैं ऐसे फाइबर्स हैं जो आपको किसी तरह की कॉन्स्टिपेशन या कब्ज आपको नहीं होगी मोरिंगा के अंदर विटामिन ए होता है अगर आप 100 ग्राम विटामिन ए का उपयोग करते हैं तो एक दिन में जितने विटामिन ए की अपने बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है दोस्तों अगला फायदा जो है वो है मोरिंगा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर विटामिन सी होती है अगर अपन मोरिंगा का कंटिन्यू यूज लेते हैं तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी अगर इम्यूनिटी कम है दोस्तों अगर इम्यूनिटी कम होगी तो क्या होगी हर दूसरे या तीस दिन हम बीमार होते रहेंगे अगर मोरिंगा की पत्तियों का उपयोग कंटिन्यू अपन लेते रहेंगे करते रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा इम्यूनिटी बूस्ट होगी जिससे आप बार बार बीमार नहीं होंगे मोरिंगा आपके दांतों के लिए और आपके हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि मोरिंगा के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों जो दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है वो अपनी बॉडी अच्छी तरह उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है लेकिन जो मोरिंगा के अंदर जो कैल्शियम होता है अपनी बॉडी अच्छी तरह डाइजेस्ट कर कर पाती है जिससे सीधा फायदा क्या होता है अपने दांतों और हड्डियों पर होता है हड्डिया कमजोर है या हड्डियों में दर्द हो रहा है उसके साथ साथ मोरिंगा के अंदर जो कैल्शियम होता है सीधे अपने जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको भी मेंटेन करता है अगर आप एनिमिक हैं अगर आपके खून की कमी है तो मोरिंगा आपके खून की कमी को भी दूर करेगा क्योंकि दोस्तों इसके मोरिंगा के अंदर पालक से भी कहीं गुना इसके अंदर आयरन होता है इसलिए अगर कोई एनिमिक पेशेंट है या आप एनिमिक हैं तो मोरिंगा का लगातार आप यूज कीजिए दोस्तों अगर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हैं और उस बाल टूट रहे हैं और आपके स्किन की प्रॉब्लम है तो आप मोरिंगा का उपयोग कीजिए मोरिंगा के अंदर जिंक होता है जो कि बालों के लिए और स्किन के लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों मोरिंगा के अंदर अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं जिंक होते हैं उसके साथ साथ आयरन होता है जो ये आपके आंखों के नीचे काले घेरे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों मोरिंगा के अंदर एर्जीनाइन होता है जो की ग्रोथ हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जो टिश्यू डैमेज होता है उसको रिपेयर का काम मोरिंगा मोरिंगा के अंदर जो आर्जेन होता है वो करता है मोरिंगा आपके शरीर में एक्सलेटिव सिस्टम का वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के अंदर जो बन रहे हैं पसीने के थ्रू या यूरिन के थ्रू या टॉयलेट के थ्रू इसके प्रोसेस को बढ़ा देता है इसके प्रोसेस से बढ़ाने से जो वेस्ट जो प्रोडक्ट बने हैं जो वो बॉडी से बाहर निकालता है मोरिंगा वातावरण से होने वाले डिजीज जैसे हम लोग एनवायरमेंटल से जो डिजीज होती है जैसे मोबाइल की रेडिएशन है या पॉल्यूशन है इससे जो डिजीज होती है उसको भी मोरिंगा रोकती है इसके अंदर एक सिस्टिन होता है सिस्टिन क्या करता है कि जो वातावरण से होने वाली जो डिजीज है या पॉल्यूशन है उसको रोकता है उसको कम करता है मोरिंगा ब्रेन के लिए बहुत उपयोगी है बहुत अच्छा होता है मोरिंगा खाने से आपकी मेंटल एबिलिटी तो बढ़ेगी आपकी मेमोरी भी साथ साथ इंप्रूव होगी उम्र बढ़ने के साथ साथ मेंटल डिक्लाइन होता है तो आपकी मेमोरी या मेंटल डिक्लाइन से जो आपका ब्रेन है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है मोरिंगा में एक ग्लूटेनिक एसिड होता है ये ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है उपयोगी होता है जो अपने ब्रेन के लिए सेल्स को डिक्लाइन नहीं होने देता है अगर मेंटल एबिलिटी बनी रहे तो आप मोरिंगा का कंटिन्यू उपयोग करते रहें ब्रेन के अंदर जो मैसेज या जो इम्पल्स होती है जो इलेक्ट्रिक्स जो आदान प्रदान होता है वो एक केमिकल होता है ब्रेन के अंदर जिसे हम ट्रायोसिन कहते हैं जो मोरिंगा के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो ट्रायोसिन क्या करेगा है? कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है उसको प्रॉपर वे में पास करेगा ट्रायोसिन करता है कि आपके अपने जो जो ब्रेन के अंदर जो होता है, उसको मेंटेन करता रहता है मोरिंगा के और को फायदा है जैसे कि अगर आपके थायराइड बढ़ा हुआ है थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप मोरिंगा का उपयोग कीजिए उसके साथ साथ अगर आपके मूड स्विंग ज्यादा हो रहे हैं आपको चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है मेनोको सिंड्रोम है तो भी आप मोरिंगा का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों मोरिंगा के ऐसे खूब फायदे हैं लेकिन वो सारे फायदे मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा जो अच्छे अच्छे फायदे थे जो इम्पोर्टेंट फायदे हैं फायदे थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं तो अब आप कहेंगे मोरिंगा की पत्ती को यूज कैसे किया जाए दो मोरिंगा की पत्ती को आप ऐसे कर सुखो लीजिए छाव में सुखोना है उसको उसका पाउडर बनाना है पाउडर बना के आप अलग अलग तरह से उपयोग कर आप डाल दीजिए ऐसे कैसे अगर आप सब्जी बना ली है सब्जी के अंदर आप डाल सकते हैं लस्सी अगर आप पीते हैं तो लस्सी के अंदर आप डाल सकते हैं वैसे वैसे अगर आप और लेने की इच्छा हो तो पानी के अंदर आप डाल लीजिए और उसको सुबह और शाम कंटिन्यू आप लीजिए ताकि खूब सारी बीमारी से आपको निजात मिलेगी कैंसर का फायदा होगा डायबिटीज का फायदा होगा आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे आपके स्किन पे ग्लो आने शुरू हो जाएगी इसीलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा खूब सारे फायदे हैं अनगिनत फायदे हैं आप जितना उपयोग मोरिंगा कर सकते हैं उतना कीजिए ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ नए नॉलेज के साथ जय हिंद जय भारत